हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इससे पहले मैंने एपी जीपी के हर एक कॉन्सेप्ट बता के चल रहा हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया हूँ उस लेक्चर में, वो भी देख लेना। आज है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या, देखिए आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन कोई पूछे तो बोल देना क्या, अपोजिट टू अर्थ मेटिक प्रोग्रेशन। अब लोग गुरुजी ये क्या लिख दिया आपने, तो देखिए एग्जांपल समझिए। एग्जांपल मैं लेता हूं, फर्स्ट एग्जांपल से एग्जांपल मैंने यहां पे लिया, यहां पे मैंने एग्जांपल ले लिया 1/4, 1/8, 1/12, 1/16 आर इन एपी। अगर ये 1/4, 1/8, 1/12, 1/16, 1/20 डॉट डॉट जहां तक जाए, अगर ये सीरीज जो है आपका किस में होगा, एपी में होगा, तो होगा कि आपका आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगर आपसे पूछे 4, 8, 12, 16, 20 किस में होगा, जल्दी बताओ, आर इन एचपी। मतलब कहने का अर्थ यही है कि आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जस्ट रेसिप्रोकल होता है आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये होता है कि जैसे मैंने 1/4, 1/8, 1/12, 1/16 लिख दिया कि एपी में है, ये किस में है, एपी में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसका अपोजिट 4/8, 4/8, याद से ध्यान सिर्फ स्टडी पे होना चाहिए, 4, 8, 12, 16, 20 किस में होगा, एचपी में होगा, किस में होगा, एचपी में होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो समझ लो, अब बोलो गुरुजी ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब जनरल इक्वेशन बताइए, जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होगा। तो देखो यहां पर एपी का ना हमेशा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का एक एग्जांपल याद रखो, 632। आप पूछोगे गुरुजी 632 क्यों करवा रहे हो, देखो हार्मोनिक बिटवीन टू मीन नंबर से पता चलेगा, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आपको पता चल जाएगा, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, टू नंबर्स से आपको क्या पता चल जाएगा। देखिए हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स से क्या होगा, देखिए ध्यान से देखो, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स क्या होता है आपका, 2ab a + b, 2ab a + b, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इस एग्जांपल को पुट किया जाए, देखो अब मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एग्जांपल जब क्वेश्चन में पूछा है ना कि फाइंड हार्मोनिक मीन, तो आप इस एग्जांपल से ठोक सकते हो, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन है, मात्र दो दो लाइन में हो सकते हैं, बस ध्यान से देखो यहां पर। अब देखो हार्मोनिक मीन निकालना है तो 2ab 2 into a क्या हो जाएगा आपका, ए आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बी आपका 3 हो जाएगा, और ए प्लस बी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 3, 3 × 6 तो आपका 4, हार्मोनिक मून क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, हार्मोनिक मून मीन क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, समझ में आ गया, हार्मोनिक मीन इसका क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, अगर ए बी सी है तो हार्मोनिक मीन आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ नया कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक हार्मोनिक और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। देखो ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है, तीनों मीन के बीच में क्या रिलेशन होता है, तीनों मीन के बीच में क्या रिलेशन होता है वो आपका जानना जरूरी है। तो देखिए इरेजर कहाँ है, यहाँ पे, तीनों मीन के बीच में क्या रिलेशन होता है वो आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तीनों मीन के बीच का रिलेशन। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले तीनों मीन का रिलेशन के बारे में बात समझते हैं, ठीक है।
तीनों मीन का रिलेशन समझते हैं। अब आज जो भी आ रहा है उस पर कंसंट्रेट कर, हटाओ, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो, क्योंकि बगल से ट्रेन गुजरती है इस वजह से आवाज़ थोड़ी आ रही होगी, ये मुझे पता है। कुछ दिनों तक जब तक व्यूज़ नहीं आते तो अपने पैसे मेरे पास तो खुद है नहीं, तो ये तो पढ़ाना आपको पड़ता है ना, फिर भी मैं मेहनत करता आपके लिए करता हूँ। आप लोग सपोर्ट दिखाओगे, डिजिटल बोर्ड आएगा, ऐसा नॉइज प्रूफ रूम कहीं पे कुछ सेट करूँगा तब ना, याद रखना। तो ये सब आप ही के सपोर्ट की वजह से होगा, ठीक है। देखो रिलेशनशिप रिलेशन एमोंग किसके बीच में, रिलेशन एमोंग अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन स्थिति ऐसा है भैया कि इसका मार्कर का भी काम हो चुका है खत्म, दूसरे मार्कर यूज करेंगे, इनके भी खरीदना होगा, वो भी पैसा जुगाड़ करना होगा, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई नहीं बंद होगी। देखो हमेशा याद रखना एक चीज, हमेशा याद रखना आपका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू का किसके, ज्योमेट्रिकल मीन से ग्रेटर इक्वल टू का, ये रिलेशन एग्जाम में सीधा आता है, ये रिलेशन एग्जाम में सीधा आता है, आप ध्यान रखें इस रिलेशन को, आप इस रिलेशन को ध्यान रख सकती है, ये रिलेशन हमेशा आता है। और दूसरा देखिए, दूसरा रिलेशन आपका क्या होता है, दूसरा रिलेशन आपका होता है जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच। ये दोनों रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मैंने कल सम ऑफ टर्म्स बताए थे, वो किस किस बच्चे को याद है जल्दी से हाथ खड़े कर दो, वो वाला सम ऑफ टर्म सिग्मा इन वाला, 1 + 2 + 3 + 4 किसको किसको याद है एन टर्म्स तक, तो क्या मैंने बताया था n + 1/2 पहला, दूसरा देखो अगर एन स्क्वायर रहे तो क्या 1² + 2² + 3² + 4² .n² क्या हो जाएगा आपका n + 1 2n + 1/6। वही थर्ड में सिग्मा इन क्यूब की बात करता है, 1³ + 2³ + 3³ + 4³ क्या जाएगा एन क्यूब, क्या जाएगा आपका n + 1/2 के होल पावर, ठीक है, समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया। अब देखो इतना समझ में आ गया, ये आपको जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा जानना जरूरी है, और एक स्पेशल कॉन्सेप्ट एक और सिखाऊंगा, अभी जस्ट ही सिखाऊंगा, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन AGP, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने सारे लिख के लाया हूं ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना पाए, सारे चीज देखो। अब अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होता क्या आखिरकार, एक चीज याद रखना, बाकी चीज याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, एक चीज याद रखो, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसको बोलते AGP। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, इफ दिस सीरीज है इनफाइनाइट टर्म्स, अगर इस सीरीज में टर्म्स क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, अगर इस सीरीज में टर्म्स कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। देखो इफ द सीरीज हैज इनफाइनाइट टर्म्स, अगर सीरीज के पास कितना इनफाइनाइट टर्म्स होगा तब आपका सीरीज क्या हो जाएगा, देन S इन्फिनिटिव। मैंने उसमें बताया था क्या, उसमें क्या बताया था 1 - r, इसमें भी होगा क्या, S इन्फिनिटिव 1 - r प्लस और क्या हो जाएगा आपका dr हो जाएगा, और 1 - r का स्क्वायर, और r कब ऐसा होगा, जब r लेस देन 1 होगा, कब ऐसा होगा, जब r लेस देन 1 होगा, r जब लेस देन 1 होगा
तब आपका ये होगा, ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, कल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा उड़वाऊंगा, टेंशन ना लो, एक एक क्वेश्चन जिगर में डाल देंगे। अगर चैनल पे नया हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक दो, मेहनत कर रहा है सपोर्ट दिखाओ भाई को, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।